ले जी हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर टू, खेवड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म ऑन 1 जनवरी 2015 को ये बनी, एंटिटी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड वैल्यूज इट ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। तो हमें पता है वैल्यूएशन के, जिस आदमी ने थोड़ा बहुत भी आईडीए पढ़ा हुआ है उसको पता होना चाहिए वैल्यूएशन के हमारे पास दो मेथड है, एक फाइफो और एक एफको है, एवरेज कॉस्ट। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वन टन ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रोसेस इनटू वन टन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई वेस्टेज नहीं है, कोई नॉर्म कोई लॉस नहीं है, जितनी हमने खरीदी उतनी फिनिश्ड गुड्स बन गई, रास्ते में कोई नुकसान नहीं हो रहा। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू 2015। वो कहता आपने जो परचेज की है वो 1000 टन रॉ मटेरियल का आपने परचेज किया पर वीक। हर वीक कितनी परचेज किया आपने? 1000 टन। परचेज प्राइस हमारे पास वो कहता है कि जनवरी फर्स्ट तक जो हमें हम खरीदते रहे टन्स वो 1 लाख रुपए पर टन मिला, लेकिन 1 जुलाई के बाद 1 टन का रेट 1.5 लाख हो गया। इंपोर्ट ड्यूटीज हम 1 टन पर पे करते हैं 10,000 रुपए, और जो ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं फ्रॉम डॉक्स टू फैक्ट्री जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 20,000। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री की कॉस्ट में 3 चीजें जाएंगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में, उसका परचेज प्राइस, उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी। अब वो कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। वो कहता है जी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 टन पर वीक। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 टन पर वीक। अगर वो आपको नॉर्मल कैपेसिटी अलहदा से ना बताए तो ये जो हमने पर यूनिट निकाला था कि आपके जो फिक्स कॉस्ट है उसको नॉर्मल एक्टिविटी लेवल से डिवाइड कर दें, अगर वो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल ना दे तो फिर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी ले लें। अगर वो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दे और नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी दे, फिर कौन सी यूज करेंगे? नॉर्मल एक्टिविटी लेवल यूज करेंगे, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज नहीं करेंगे टू कैलकुलेट द ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, फिर हम नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेंगे। अगर नहीं देता तो फिर कैपेसिटी लेंगे। वो कहते हैं जी वेरिएबल कॉस्ट है 25,000 रुपए पर टन, और हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन की वजह से होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो कहता है 30 मिलियन पर वीक है। 1 मिलियन की कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन है, प्रोडक्शन करें या ना करें 30 मिलियन कॉस्ट आएगी। और वो कहता है इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2015, जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो रॉ मटेरियल 2000 टन पड़ी हुई है और फिनिश गुड्स भी हमारे पास 2000 टन पड़ी हुई है, और ये ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया। हर महीने हम खरीदते थे 1000 टन, ठीक है भैया? अगर मैं हर महीने 1000 टन खरीदता था तो एक नहीं हर हफ्ते तो एक महीने में मैं खरीदता था 4000 टन, और मैंने पूरे साल में अगर मैं 48 वीक्स भी लूँ 48 वीक्स लूँ तो मैंने पूरे साल में अगर एक हफ्ते एक महीने में 4 वीक्स होते हैं तो मैंने 4000 खरीदा होगा टन, और पूरे साल में मैंने खरीदा होगा 48,000 टन। तो सिर्फ मेरे पास बचा हुआ 2000 टन, 2000 टन तो मेरी परचेजेस 2 वीक्स की हैं, 2000 टन मेरी परचेजेस, क्योंकि एक वीक में मैं 1000 टन खरीदता हूँ तो मेरे 2 वीक्स की परचेज 2000 टन। इसका मतलब ये हुआ 31 दिसंबर को ये जो 2000 टन पड़ा हुआ है तो अभी का पड़ा हुआ है, दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स का, और फाइफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो पहले लिया था वो पहले बिक गया और जो बाद में लिया वो पड़ा हुआ है। अब जो हमने पहले 6 माह में लिया था उसके 1 टन की कॉस्ट थी 1 लाख, लेकिन 1 जुलाई के बाद 1 टन की कॉस्ट थी 1.5 लाख। अब मुझे ये बताएं कि पहले 6 महीने वाला कोई टन अभी तक पड़ा होगा हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत? जी बेटे, 1000 टन पर वीक खरीदते हैं हम तो 2000 टन पड़ा हुआ है, तो 2000 टन कितने वीक्स में खरीदा होगा आपने? 2000 टन कितने वीक्स में खरीदा होगा? 2 वीक्स में, और पूरे साल के वीक्स अगर मिनिमम लगाए 48 तो इसका मतलब है 46 वीक्स का जो आया है वो तो पहले बिक चुका, तो ये तो आखिरी दिसंबर की परचेज है। अब बताएं दिसंबर में परचेज प्राइस 1 लाख होना चाहिए 1.5 लाख होना चाहिए? 1.5 लाख होना चाहिए, क्योंकि जुलाई फर्स्ट के बाद रेट चेंज हो गया, तो 1 टन की कॉस्ट होगी 1.5 लाख, 10,000 टन दे रहे इंपोर्ट ड्यूटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 20,000 पर टन, तो 1.5 लाख जमा 10,000 जमा 20,000, तो रॉ मटेरियल के 1 टन की कीमत जो बची हुई है वो होगी 1,80,000। देखो आंसर में कितना है, 1 टन की कितनी है? 1,80,000 है, और आपके पास फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स के लिए आप लगाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स पर टन,
तो वो पर यूनिट हमने देखा था, हमने कहा था जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पर होते हैं, तो 25,000 ये ऐड हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है 30 मिलियन पर वीक। अब फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट एब्जॉर्ब करवाना है और हमारा प्रोडक्शन का एक वीक की कितनी है 1000, तो 30 मिलियन को 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट के समय कितनी आएगी 30,000। तो 25,000 वेरिएबल कॉस्ट, 30,000 वो, तो 55,000 हमारी फिनिश गुड्स में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट पर टन, क्या जाएगी। अब उसने कहा कि मेरे पास है 2000 टन रॉ मटेरियल के, तो 150 जमा 30, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 टन से, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी। और फिनिश गुड्स है 2000, तो उनकी कीमत बनेगी 150 जमा 30, 180 और 25, 205, 205 और 30, 235, तो 235 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी। आप बताओ बेटे क्लियर है? ओके गुड। अब हमने दो बातें इसमें सीखनी थी। हमने कहा था कि इन्वेंटरी शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कॉस्ट हम सीख चुके, एक ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसका तो परचेजिंग प्राइस ही बस कॉस्ट होगी, लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो होंगी वो उस इन्वेंटरी कॉस्ट का हिस्सा होंगी। एनआरवी क्या होता है जरा देखें, पेज नंबर 238 पे लिखा हुआ एनआरवी क्या होता है। वो कहता है जो एनआरवी होती है वो होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये फ्यूचर का सेलिंग प्राइस हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि ये इन्वेंटरी इतने की बिक जाएगी, ठीक है। और इसमें से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल जो होते हैं या उस सेल को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो हम इसमें से लेस करवा देते हैं। अब अगर हम पिछली एग्जांपल को ही लें तो पिछली एग्जांपल में फिनिश गुड्स की कॉस्ट की यूनिट कितनी आ रही थी पर यूनिट कॉस्ट 235,000। फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी आ रही थी 235,000। इसका मतलब मैंने इस यूनिट पर 235,000 लगाया था, इसकी कॉस्ट है। कोई आदमी आपको कहे कि यार अगर आप इसको मार्केट में बेचने जाएंगे ना तो ये बिकेगी 250,000 की, लेकिन आपका इस पे 40,000 खर्चा हो जाएगा, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 250, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल 40, तो एनआरवी कितनी हो जाएगी 250 में से 40 माइनस करें कितनी हो जाएगी 210। इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 210 है। इस इन्वेंट्री को बेच के जो मैं बेनिफिट ले सकता हूँ वो 210 है, और आपने इन्वेंट्री कितने पे लिखी हुई है 235 पे। तो कोई कहने वाला कहेगा इन्वेंट्री क्या है, हम कहेंगे एसेट। हम वो पूछेगा कितने पे लिखा हुआ एसेट, हम कहेंगे 235 पे। वो कहेगा एनआरवी बताना, मैं कहता हूँ 250 माइनस 240 210। वो कहता है एक ऐसा एसेट जिससे तुम्हें बेनिफिट 210 का मिल सकता है, तुमने 235 का क्यों लिखा हुआ है, ये तो ओवरस्टेटेड है। इसलिए IAS 2 कहता है कि भाई आपने इन्वेंट्री को लिखते हुए देखना है कि आपको इसमें मिनिमम बेनिफिट कितना है, मैक्सिमम। एनआरवी अगर ज्यादा हुई तो कॉस्ट पे लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहता है इसको किस पे लिखना है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। और अगर एनआरवी कम हो गई तो फिर कॉस्ट पे नहीं लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इससे एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना है, तो फिर इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे लिखेंगे, और आपने ऑलरेडी किस पे लिखा होता है कॉस्ट पे, तो नो एडजस्टमेंट नीडेड। लेकिन अगर एनआरवी कम है और कॉस्ट ज्यादा लिखी हुई है तो फिर हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, लोअर ऑफ एनआरवी। अब 235 की 210 में लिखेंगे 25 रुपए नुकसान हो जाएगा, तो वो जो 25 रुपए नुकसान होगा उसको कहते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट। कितने का लिखा हुआ था 235 का, एनआरवी कितनी कैलकुलेट की 210। अब वो स्टैंडर्ड कहता है इसको क्या लिखो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो 25 रुपए से इन्वेंटरी कम करेंगे नुकसान होगा, तो जो 25 रुपए से हम कम करते हैं उसको एनआरवी एडजस्टमेंट कहते हैं। और अभी हमने एंट्री सी की थी, अगर पीरियोडिक होगा तो फिर तो हमें कोई जरूरत नहीं है, बस क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आएगी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी आएगी, तो वो हमारी चार्ज हो जाएगी सीजीएस में। लेकिन अगर पीरियोडिक हो, परपेचुअल होगा, तो फिर हमें सीजीएस को डाइवर्ट करना पड़ेगा और इन्वेंटरी को करंट इफेक्टिवली दोनों मेथड में एनआरवी एडजस्टमेंट इन्वेंटरी की कॉस्ट है तो वो सीजीएस में जाएगी, वो एबनॉर्मल लॉस में नहीं जाएगी। तो इन्वेंटरी शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। आगे लिख रहा है कि रीजन क्या हो सकता है, इन्वेंटरी डैमेज हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, मार्केट में डिमांड कम होने से सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो गया है, बेचने की कॉस्ट बढ़ गई है, तो किसी भी वजह से आपकी इन्वेंटरी क्या हो सकती है, कम हो सकती है।
लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, देखे सुने, आप चार आइटम बेचते हैं, सुने, चार आइटम बेचते हैं, एयर कंडीशनर भी बेचते हैं, इस फ्रिज भी बेचते हैं, माइक्रोवेव भी बेचते हैं, अगर आप तीन आइटम बेचते हैं तो इन तीनों की अलग अलग कॉस्ट और एनआरवी देखेंगे, ऐसा नहीं है, इन तीनों का टोटल कॉस्ट का कर ले और इन तीनों की एनआरवी टोटल कर ले और दोनों में से लोअर ऑफ पिक कर ले। हर आइटम की कॉस्ट और एनआरवी आइटम बाय आइटम कैलकुलेट होती है और अगर कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर ऑफ होता है वो हम पिक करते हैं और उस पर हम अपने इन्वेंटरी को शो करते हैं। तो ये भी इसने लिखा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा आइटम हो तो ऐसा नहीं है टोटल इन्वेंटरी की कॉस्ट और टोटल इन्वेंटरी की एनआरवी, छह आइटम है तो हर आइटम की कॉस्ट अलग और हर आइटम की एनआरवी अलग, फिर हर आइटम के अतबार से कंपेयर करेंगे तो दोनों में से जो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होगी वो पिक करेंगे, सही है। एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सुने जरा गौर से, एनआरवी ऑफ आप वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल है, इधर ये रॉ मटेरियल पड़ा, इससे ये फिनिश वुड चेयर बनती है, फिनिश गुड की कॉस्ट है 235 और एनआरवी है 250। फिनिश प्रोडक्ट को बेचते हुए हमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है? 235, एनआरवी 250, तो 15 रुपए प्रॉफिट में बिकेगी ना, इसका मतलब है फिनिश्ड प्रोडक्ट की एनआरवी कॉस्ट से कम नहीं है, फिनिश प्रोडक्ट को राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 235 कॉस्ट पे है, एनआरवी कितनी है? 250 है, तो इसको लोअर डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट क्लियर? एक आइटम पहले से ही कॉस्ट पर हो और एनआरवी ज्यादा हो तो वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, इसको मजीद कम करने की जरूरत, इसको 235 पे लिखेंगे अगर एनआरवी 250 है, ठीक है। अगर इस फिनिश गुड के लिए ये रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी कम है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लिखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लिखेंगे इसकी एनआरवी पर, लेकिन अब एक ट्विस्ट है, वो कहता है अगर रॉ मटेरियल की एनआरवी बेशक कम हो, असूलन तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लिखना चाहिए कि इसकी एनआरवी कम है तो इसको कम पे लिखें, वो कहता है बेशक रॉ मटेरियल की एनआरवी कॉस्ट से कम हो लेकिन जिस फिनिश गुड में ये इस्तेमाल होता है अगर उसकी एनआरवी ज्यादा है तो रॉ मटेरियल को राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। फिनिश गुड्स की मैंने क्या बताई थी एनआरवी 250, कॉस्ट कितनी बताई थी? अगर फिनिश गुड जिसमें ये इस्तेमाल होती है वो फायदे पर बिक रही है तो रॉ मटेरियल में को क्या सोचूं? तो रॉ मटेरियल की अगर एनआरवी कम हो भी गई है तो जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो ये मुझे ज्यादा बेनिफिट देगी, तो अगर रॉ मटेरियल की एनआरवी कम हो जाए लेकिन उससे बनने वाली चीज की एनआरवी स्टिल ज्यादा हो तो हम रॉ मटेरियल के कॉस्ट और एनआरवी से लोअर ऑफ नहीं लेंगे, लेकिन अगर फिनिश गुड की भी एनआरवी कम हो जाए तो फिर रॉ मटेरियल की भी एनआरवी कम हो अगर हो रही है तो फिर दोनों को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लेंगे, लेकिन अगर फिनिश गुड की एनआरवी ज्यादा है और आप कवर कर सकते हैं तो फिर जो रॉ मटेरियल होगा उसको राइट डाउन नहीं करेंगे अगर इसकी एनआरवी कम हो। ये पॉइंट क्लियर है? कुछ लिखना लिख नहीं सकते। तो जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट हो उसका कोई भी नाम हो अगर वो सेल करने के लिए जरूरी है तो वो कॉस्ट एनआरवी से क्या होती है? लेस होती है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 करने, जल्दी करें, शाबाश पे आगे चलते हैं, इसे बंद कर दो बेटा, एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 करो।